कोकोनट का ड्राइंग करते समय बेसिक शेप्स का यूज़ करना चाहिए। हम इस ड्राइंग में सर्कल और ओवल शेप का यूज़ करने वाले हैं। कोकोनट जब छीला जाता है तब उसके कट्स क्रिएट होते हैं, तो वो कट्स करने के लिए ठीक से ऑब्जर्वेशन करना होता है। कट्स जैसे हैं उसका प्रोपोर्शन कैसा है उस हिसाब से फिर ड्राइंग करना चाहिए। ऑब्जेक्ट ड्राइंग करते समय ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोकोनट का जो कट्स डिटेल्स का शेप, इसका ऑब्जर्वेशन करके फिर ड्राइंग करना चाहिए। रफ ड्राइंग होने के बाद एक फेयर ड्राइंग रखना है हमें, इसलिए बाकी सब जो ज़्यादा लाइंस है वो इरेज कर लेंगे। उसके बाद स्ट्रॉ का जो ड्राइंग है वो कर रहा हूँ। कोकोनट को कलर करने के लिए हम सैप ग्रीन, ग्रीन डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और येलो ऑकर और वाइट कलर का यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट मैंने सैप ग्रीन से कलर किया है, उसी में डार्क लेके स्ट्रोक्स दिए हैं। डार्क ग्रीन का यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी। शेप का जैसे मोल्डिंग होता है उसी शेप में या फिर उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स देने हैं हमें। ग्रीन में अभी मैंने थोड़ा वाइट मिक्स करके सैप ग्रीन मिक्स। कलरिंग करते समय हमें शेप का जो मोल्डिंग है वो ध्यान में लेके स्ट्रोक्स ड्रॉ करने हैं या फिर पेंट करना है। बहुत सारे हमें शेड्स बनाने पड़ते हैं। कौन सा कलर कहाँ है, कैसे शेड है, स्ट्रोक्स कैसे हैं, उसका रेंडरिंग ऑब्जेक्ट का जैसे मोल्डिंग होता है उसी मोल्डिंग के हिसाब से हमें कलर करना होता है। उसी मोल्डिंग के डायरेक्शन से हमें ब्रश का स्ट्रोक घुमाना होता है। ऊपर के हिस्से के लिए, कोकोनट के ऊपर के हिस्से के लिए हमने येलो ऑकर में वाइट मिक्स करके लाइट टोन बनाया है। मोस्ट ऑफ येलो ऑकर का ही यूज ऊपर के हिस्से में होगा। उसी में थोड़ा ब्राउन मिक्स करके जो शैडो का पोर्शन है कोकोनट के ही कट्स में, जो शैडो का पोर्शन है उसमें ब्राउन और येलो ऑकर मिक्स करके अप्लाई किया है और उसमें थोड़ा पानी मिला के मर्ज किया है। जब हम कलर मर्ज करते हैं तब ब्रश में थोड़ा वाटर होना चाहिए, और ज़्यादा वाटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कलर स्पॉइल हो सकता है। इसलिए कपड़े से, कॉटन से ब्रश को थोड़ा पोंछ के फिर से कलर पे मर्ज करना चाहिए, कलर फैलाना चाहिए। जो शेड जहाँ दिख रही है वो शेड हमें यूज़ करनी है, वही शेड बना के वहाँ पे अप्लाई करनी है। जैसे अंदर की जो पोर्शन है, अंदर का पोर्शन है, उसमें हमें ब्रंट अंबर और ब्रंट सेना ये दोनों कलर मिक्स करके या फिर जहाँ पे जो लगे वो यूज़ कर रहे हैं। जिस जगह जैसी शेड चाहिए वैसे शेड बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए।
वैसा टोन बना के ही वहाँ पे कलर होना है। डार्क लाइट या फिर जो टोन आप हमें दिख रहा है वो टोन हमें कोकोनट में करना है। प्लेन टोन तो नहीं होता है कोकोनट के ऊपर, जब वो गिरता है या फिर कुछ उसको स्पॉट्स लगते हैं, वो स्पॉट्स जो है, वो धब्बे जो है, वो हमें डार्क टोन में करने हैं। उसमें डार्क टोन बनाने के लिए ब्राउन, ब्रंट, ग्रीन ये कलर यूज़ किए गए हैं। स्ट्रॉ को ऑरेंज कलर किया है। इस तरीके से शैडो का पोर्शन हम करने वाले हैं। अभी शैडो करने के लिए मैंने पर्शियन ब्लू में ब्राउन मिक्स करके ये शेड बनाई है। डायरेक्ट ब्लैक यूज़ नहीं किया है मैंने। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ।